नमस्ते, मेरा नाम विनय है। मेरा घर उड़ीसा। मैं यहाँ 1 साल हो गया हूँ, रुका हूँ। मैं इधर झारखंड पतरातू में थर्मल पावर प्लांट में मैं नौकरी करता हूँ। मेरे को एक चीज़ बहुत दुख लगता है कि हमारा इंडिया में ये जो कोरोना वायरस है वो अटैक कर लिया है, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है बहुत डेंजर बीमारी है। इसको हम लोग सावधान नहीं बरतेंगे तो हम लोग मुसीबत में आ सकते हैं। इसलिए हम लोग को कुछ कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। हम लोग कुछ कुछ नियम नहीं पालन करते हैं तो जिस कारण से आज इंडिया में 870 आदमी इस काबू में आ गया है और 19 आदमी डेथ हो गया है। मेरे को ये सुन के बहुत दुख लगता है, क्योंकि मैं ही खुद ही इंडियन हूँ, मैं ही खुद भारत का हूँ, तो मेरे को बहुत दुख लगता है। मैं आप लोग से सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो नियम कानून है उसको फॉलो कीजिए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ नहीं होगा। जैसे संडे को गवर्नमेंट ने बोला 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप रूम पे रहिए और 5 बजे हम लोग को घंटी मारना है, स्वागत करना है, तो उसी फिर उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने बोला कि 21 दिन के लिए लॉकआउट कर दिया है। क्यों कर दिया? वो हम लोग के लिए कर दिया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को कुछ फ़ायदा है, इसलिए किया कि हम लोग अच्छा रहे, हम लोग स्वस्थ रहे और हमारा भारत स्वस्थ रहे और हमारा समाज स्वस्थ रहे और हमारा वर्ल्ड भर जितना भी कंट्री है स्वस्थ में रहे। क्योंकि ये जो बीमारी है ये मारने वाला बीमारी है। चीन गुस्से में ऐसे सब कर दिया है, फिर भी हम लोग को उसको मजबूत ढंग से उनके साथ मुकाबला करना पड़ेगा। आज तो आप जानते होंगे, जानते हैंगे कि हर कंट्री में कितना आदमी डेथ कर गया। बहुत दुख लग रहा है ये सुन के। तो इंडिया में जो हम लोग का जो पूज्यनीय जो मोदी सरकार है, मोदी जी हैं, वो जो अनाउंस किए हैं, जो डिक्लेयर किए हैं, उनके दौरान हम लोग को कुछ कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वो हम लोग का जो प्रधानमंत्री है वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, जिसके कारण से हम लोग आज सुरक्षित कुछ कुछ कारण से है। क्यों हम लोग को पुलिस बाहर में जाने से डंडा मारता है? ये पुलिस का डंडा मारने का कोई शिकायत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम लोग गलती करते हैं इसलिए हम लोग को मारते हैं। हम लोग क्यों बाहर निकलते हैं? हम घर में रहेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा फिर भी हम लोग रहेंगे, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करते थे, हम लोग नौकरी करते थे और हम लोग कहीं घूमने जाते थे, हम लोग दोस्त के साथ घूमने जाते थे, सब्जी लाने के लिए जाते थे, इधर उधर होते थे तो टाइम पास हो जाता था। और अभी टाइम पास नहीं हो रहा है, तो मैं इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कुछ भी करके घर में रहिए। कम से कम घर में रहिए 21 दिन, देखिए क्या हो रहा है। घर में आप खाना बनाइए खुद, आपका फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेयर कीजिए, कुछ मेमोरेबल बात कीजिए, कुछ पुराना फोटो देखिए, और आप कुछ दोस्त लोग को बात कीजिए जो बाहर में है, या रिश्तेदार से बात कीजिए जो बाहर में है, उन लोग से बात कीजिए, या आपका फैमिली बाहर में है तो बात कीजिए, कुछ दुख सुख हो जाए आपको आराम लगेगा। या कुछ आपको जो हॉबी है डांस करना है, डांस कीजिए रूम पे, मगर रिक्वेस्ट करता हूँ आपको हाथ जोड़ के आप बाहर मत जाइए, ठीक है। और जो गवर्नमेंट जो फॉलो किया है, जो जो सिस्टम, जो जो नियम कानून बनाया, उसको आप थोड़ा सा मानिए। आपके लिए फ़ायदा और हम लोग के लिए फ़ायदा और गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा है। तो क्या क्या नियम है? गवर्नमेंट बोला है कि बाहर जा रहे हैं तो नोज मास्क पहनिए, हाथ में हैंड ग्लोव्स पहनिए, फिर बाहर जाइए। आने के टाइम पे पैर धोइए, हाथ में सैनिटाइज या साबुन या कुछ लिक्विड लगा के आप हाथ धोइए, फिर उसके बाद कपड़ा धोइए, फिर आइए रूम पे आराम से, ठीक है ना। ये सब हम लोग कुछ कुछ चीज़ मानेंगे ना, हम लोग को कुछ नहीं होगा। जैसे कि आप लोग बाहर जा रहे हैं, मान लीजिए आप बाहर जा रहे हैं तो दूरी का मेंटेन कीजिए और हर टाइम पर अकेले जाने के लिए तैयार रहिए। कभी भी 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी करके मत जाइए। ये आपके लिए और हम लोग के लिए पूरा सुरक्षित रहेगा। कहीं पे दुकान पे सामान ला रहे हैं तो दूरी तय में सामान लीजिए,
वो जो सामान दे रहा है उसको टच मत कीजिए, कम से कम वो देने के बाद ही आप ले लीजिए वो सामान को, क्योंकि हम जितना टच करेंगे उतना वायरस आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है और WHO बोलता है कि ये छूने से होता है, ना कि हवा से आता है, ना कि वो पानी पवन से आता है, ये किसी से नहीं आता है, सिर्फ टच करने से और पास पास में रहने से, संपर्क करने से वो चीज़ आता है। तो मैं कृपया आपको मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ WHO को, आप उसका बात मानिए, WHO को बात मानिए, हमारा गवर्नमेंट का बात मानिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको कुछ नहीं होगा, नहीं तो बाद में ऐसा परिस्थिति हो जाएगा आपको 21 दिन के जगह 21 दिन के पीछे 21 साल के पीछे आप चले जाएंगे, जानते हैं 21 साल के पीछे आप चले जाएंगे, फिर क्या होगा आपका परिस्थिति जानते हैं, पूरा आपके मौत के साथ आपको खेलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको हर टाइम पे, हर समय पे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सही की सही गवर्नमेंट का नियम पालन कीजिए, और मैं भगवान से और ये जो विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाले जो देवता देवती है, जो भगवान है, हम उनको रिक्वेस्ट, हम उनको प्रार्थना करते हैं, हम उनको प्रे करते हैं कि हमको ये जल्द से जल्द ये जो महामारी जो बीमारी है कोरोना वायरस, उसको ठीक कर दिया जाए, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं है आज का डेट में, आज का समय में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। इसीलिए भगवान को आप प्रे कीजिए कि ये बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये जो चीन जो ये वायरस छोड़ा है, ये सब उसके नतीजा है, वो गुस्सा होके ये सब निकाला है या कुछ इधर उधर का खाना खाया है जिस कारण से ये सब हुआ है। तो हम लोग को खुद को ठीक करना है, इसीलिए भगवान को हर टाइम पे प्रे कीजिए कि ये बीमारी ख़त्म हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू।